हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर, आप सभी लोग का यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। रोहित ट्रेवल्ड 62 होल 3/4 km इन 3 डेज। करा है रोहित ट्रेवल मैंने यात्रा किया है 62 होल 3/4 किलोमीटर इन 3 डेज। रोहित 3 दिन में 62 होल 3/4 किलोमीटर चला। ही कवर्ड 22 होल 1/2 km ऑन द फर्स्ट डे। उसने 22 होल 1/2 किलोमीटर पहले दिन एंड 24 होल 7/10 किलोमीटर km ऑन द सेकेंड डे और 24 होल 7/10 किलोमीटर आपका सेकेंड डे। देखते क्या है, रोहित 3 दिनों में इतना यात्रा किया है, उसमें से पहले दिन इतना और दूसरे दिन इतना किलोमीटर यात्रा किया। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल ऑन द थर्ड डे। तो वह तीसरे दिन कितना यात्रा किया, यानी कि थर्ड डे वो कितना चला, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखिए सोल्यूशन डिस्टेंस कवर इन डिस्टेंस कवर बाय रोहित इन ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन यात्रा उसने किया, डिस्टेंस कवर बाय रोहित ऑन थर्ड डे। रोहित द्वारा तीसरे दिन तय की गई यात्रा, तय की गई दूरी यात्रा भी करें ट्रेवल भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पूरे टोटल डिस्टेंस में जो वन फर्स्ट थर्ड डे तीन दिन का जो डिस्टेंस है उसमें से जो से फर्स्ट डे और सेकेंड डे डिस्टेंस जो कवर किया है ट्रेवल किया है वो दोनों को ऐड करके इन तीन दिन में से दो दिन के सम को माइनस कर देंगे तो तीसरे दिन का निकल जाएगा। कैसे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, 62 होल 3/4 में से माइनस करेंगे। ये तीन दिन का यात्रा है थर्ड डे 3 डेज का, उसमें से ब्रैकेट लगा देंगे, इन दो दिनों का यात्रा को प्लस करके माइनस कर देंगे तीन दिन में से, तो मान जाएगा तीसरे दिन उसने कितना चला। देखिए यहाँ पे थर्ड डे कितना है 22 होल 1/2 प्लस 24 होल 7/8 तीन दिन में चली गई दूरी में से दो दिन की चली गई दूरी को प्लस करके माइनस कर देंगे तीन दिन में से दो दिन की दूरी को निकाल देंगे तो तीसरे दिन का दूरी निकल जाएगा। अब देखिए आप इस साल करेंगे, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा दिए, तो ब्रैकेट नहीं लगा देंगे तो ये माइनस मान जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसको पहले ब्रैकेट वाले को साल करेंगे, इसका जो मिस पेशन में है उसको इम्प्रॉपेशन पहले चेंज करेंगे। तो 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 62 में, तो 62 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाए 8 हो गया, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना 8 3 11 1 4 5 8 2 ये हो गया 251/4 माइनस। अभी देखिए इसका भी एक करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में 22 2 44 में 1 ऐड करेंगे तो 45 रहेगा 45.2 प्लस। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो 240 हो जाएगा, 240 में से ऐड करेंगे तो 240 चल जाएगा अपॉन 10। ऐसा करिए इसको उतार लेंगे, 251 को अपॉन 4 हो गया माइनस, इसका ब्रैकेट में ही आंसर लेंगे 25% कितना हो गया 10। 2 का डिवाइड करेंगे 10 में, 25 या 10 5 आया 5 मल्टीप्लाई करेंगे 45 में
फाइव फाइव या 25 के 5 कैरी 2 और 5 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 5 हो जाए 20 और 2 में के 22 यानी जे 2 को डिवाइड करेंगे 5 में 10 में 2 5 या 10 5 आया अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे 45 में तो 45 मल्टीप्लाई 5 5 5 5 तो 5 के 2 5 बाय 20 और 2 में के 22 225 आ गया और यहां पे प्लस 10 डिवाइड करेंगे 10 में 10 1 जा 10 1 आएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 247 में 247 होगा अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा 251 अपॉन 4 माइनस अब इसको ऐड करिए 7 में 5 7 में 5 ऐड करेंगे 7 5 12 के 2 कैरी 1 और 4 2 6 1 कैरी 7 2 2 4 अपॉन 10 हो गया आप क्या करेंगे अब देखिए टूट गया है देखिए साल हो गया इसे देखिए टूट गया यहां पे क्या है 2 है 2 अब इसका एलसीएम लेंगे 4 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा 20 4 डिवाइड करेंगे 20 में 4 5 जा 25 आया 5 मल्टीप्लाई करेंगे 251 में तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 के 5 के 2 5 10 और 2 कितना 12 ये माइनस 10 डिवाइड करेंगे 20 में 10 2 जा 22 आया 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 472 में 2 जा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 2 7 जा 14 के 4 कैरी 1 2 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 2 4 जा 8 1 कैरी कितना 9 अब ये हो गया इक्वल टू अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 1 हो गया अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो भी आएगा 1 अब 2 में से 9 माइनस होगा 12 या 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3 अपॉन 20 अब देखिए 311 अपॉन 20 हो गया अब इसको हम इस समय चेंज कर देंगे 20 का डिवाइड कर देंगे 311 में तो 21 जा 20 हो गया 1 में से 0 माइनस करें 1 3 में 2 गया 1 1 25 जा 100 0 1 देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ 0 हो गया 1 में 0 0 ये कैंसिल हो गया तो 15 होल 10 अपॉन 20 ये आ गया आपका 15 होल 10 अपॉन 20 इसको पटे कर देंगे 10 1 जा 10 10 2 जा 20 तो ये हो गया आपका 15 होल 1 अपॉन 2 ये क्या हो गया KM ये आपका हो गया आंसर इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अब बेल आइकन क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले